ही गलत फहमी में हो। वो जब से महाराष्ट्र से भागा झोला उठा के श्याम मानव के केस से, हम तब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ तो कि तुम अंधविश्वास फैला रहे हो जहाँ फैलाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम पर्ची बजरंगबली से लिख सकते हो तो तुम लिख दो और बोलो कि विकास राज के पेज पे इतना वीडियो वायरल नहीं हो, विकास राज का लोग इतना वीडियो लाइक नहीं करे। किसी के बाप में दम नहीं है ना कि कोई आ के कोई और राष्ट्र बना के चल जाएगा। यार पहले उसको बोलो जवान हो जाए अच्छे से। जवान नहीं है, 30 साल का लौंडा नहीं हुआ है, वो राजनीति कर रहा है। उस साला को बढ़िया से लिखू नहीं आता है। उकले गर्मी में सफोकेशन को सफोकेशन या कुछ ऐसा बोल रहा था कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री दिया था हमको। हाँ यार, कॉन्फ्रेंस किया था रात में। हाँ तो हम फोन गए चाचा खाली धीरेन्द्र शास्त्री का सुनिएगा, हमने के नहीं। तो फिर मेघनाथ उधर से बोला ना अभी जो है ना पापा अभी बाहर गए हुए। अरे पर्ची लिख देते थे बजरंगबली को। हाँ। बोलते थे रावण से हमारे बात हो रहा है। हाँ। हम एक दिन रावण को फोन कर दिए, बढ़िया सवाल किया उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा और बोलो कि हम लोग इंटरव्यू लेंगे लिखा पढ़ी वाला। हाँ। बढ़िया से लिख पढ़ दे, इंग्लिश में इंटरव्यू दे देता मान लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास है, आप भी के डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज मौजूद है, मेरा ही नाम है, इनका भी आज बातचीत कर... देखो पहले इस लड़का के चेहरा पे, सवाल जवाब बाद में होगा, इंट्रोडक्शन बाद में, पर रौनक भाई दिल जीत लिया। आगे चलिए, लगातार बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का लगातार विरोध कर रहे हैं पटना में, जब से आए जब से विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं बागेश्वर धाम? बहुत प्यार करते हैं उनसे हम, बहुत प्यार करते हैं उनसे हम, प्यार करते हैं विरोध कर रहे हैं। हाँ तो क्यों प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करते तो विरोध करिएगा। हाँ तो ये क्या ऐसा बात है? अरे यार, आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उसी को सुधारने के लिए उसको सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारी मम्मी रोज दो तमेचा मारती होगी शाम में कि 4 बजे क्रिकेट खेल के चल आना, 6 बजे चल आना, तो प्यार करती है तब ना तुमको सही रास्ता दिखा रही है। तो हम धीरेन्द्र शास्त्री से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए हम इसको विरोध कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं क्या? गलत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सुधार रहे हैं। हाँ तो गलत कर रहे थे, आप बढ़िया कर रहे हैं, सुधार दिए। पहले क्या गलती करते थे? पहले अरे पर्ची लिख देते थे बजरंगबली को। हाँ। बोलते थे रावण से हमारे बात हो रहा है। हाँ। हम एक दिन रावण को फोन कर दिए, कहा हो चाचा पक्षपात, रावण से आप फोन कर दिए थे? हाँ तो कैसे, कहा नंबर दीजिए ना हमको, धीरेन्द्र शास्त्री दिया था हमको। धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ यार, कॉन्फ्रेंस किया था रात में। हाँ तो हम फोन गए चाचा खाली धीरेन्द्र शास्त्री का सुनिएगा, हमने के नहीं। तो फिर मेघनाथ उधर से बोला ना अभी जो है ना पापा अभी बाहर गए हुए हैं, बाद में बात होगा। तो हम बोले अच्छा नंबर रावण का ही है, तो बोला हाँ। तो हम बोले ठीक है, तब धीरेन्द्र शास्त्री को फोन कीजिएगा तो हमको कॉन्फ्रेंस पे लीजिएगा। तो उसके बाद वो लगता है कि फिर दोबारा बात नहीं हुआ तो हमको कॉन्फ्रेंस पे नहीं लिया गया। फिर लगातार आपके चैनल पर उनके बारे में खाली विरोध हो रहा है, क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? बहुत ऐसा चैनल है जहाँ पे खाली समर्थन नहीं किया जा रहा है उनका। आप क्या चाह रहे हैं कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बने बिहार में, भारत में? है? भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं बने? एकदम बने, एकदम बने। हिंदुस्तान कहा जाता है भारत को, हिंदुस्तान के आगे हिंदू लगता है। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है। एक हिंदुत्व को आप जब समझेंगे, जब एक हिंदुत्व के भाषा को आप समझेंगे कि हमारा सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, तो आप पाएंगे कि यह सभी की धारणाओं के, सभी के मन का बात का, सभी के आस्थाओं का सम्मान किया जाता है इस राज्य में। एक तरफ आपको मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा। और यकीन नहीं है तो किसी दिन मेरे साथ चलिएगा, इस बिहार में एक ऐसा तालाब है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, एक ऐसा तालाब है कि एक छोर पर मंदिर है, दूसरे छोर पर मस्जिद है, तीसरे छोर पर मस्जिद है, चौथे छोर पर गुरुद्वारा है। बताइए ऐसा चीज है तो हमारा बिहार है, ठीक है? किसी के बाप में दम नहीं है ना कि कोई आ के कोई और राष्ट्र बना के चल जाएगा। यार पहले उसको बोलो जवान हो जाए अच्छे से। जवान नहीं है, 30 साल का लौंडा नहीं हुआ है, वो राजनीति कर रहा है। यार राजनीति कर रहा है तो क्या कर रहा है? पर्ची लिखते हैं और आपका कुंडली खंगाल देंगे। कुंडली खंगाल देगा मरु? कहा कुंडली खंगाल देगा मरु? आपके बारे में पूरा बता देंगे। कहा बता देगा? पर्ची लगवाया है कि नहीं? नहीं नहीं लगवाया, लेकिन बता कहा हमारा बारे में देगा, वो बता देगा, पूरा बता देगा। आपका पूरा पीछे वाला आगे वाला, जितना देर में हमारे पर्ची लिखेगा उतना देर में हमारे 10 गो फॉलोअर बढ़ जाएगा। यार उतना देर को हमारे साला एग्जैक्ट फॉलोअर नहीं बता सकता है वो। आजकल हमारे बढ़िया लोग सुन रहा है, घमंड नहीं है ये, उसको जवाब है कि तुम अंधविश्वास फैला रहे हो जहाँ फैलाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम पर्ची बजरंगबली से लिख सकते हो तो तुम लिख दो और बोलो कि विकास राज के पेज पे इतना वीडियो वायरल नहीं हो, विकास राज का लोग इतना वीडियो लाइक नहीं करे। तो यार तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम मेरा सोशल मीडिया पे, तो यार धीरेन्द्र भाई मेरे, तू सोशल मीडिया पे तो हम लोग को रोक नहीं रहा है, रोक नहीं पा रहा है, बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। लोग भगवान मान रहे हैं क्या? लोग भगवान मान रहे हैं। हम इसको भगवान मानते हैं, इसको ये तस्वीर देख रहे हैं, ये रोज सुबह हमारे शहर का कचरा साफ करता है, इसका ये प्रतिबिंब है, ठीक है? आज जरूरत है इसी का। ऐसे ऐसे ढोंगी को एकदम झाड़ू मरवा और निकलवा यहाँ से, झाड़ू मार के निकलवा दीजिएगा। कैसा बात बोल रहे हैं आप? क्या क्या फिर से क्या बात बोल दी है? क्या ये क्या बोल दी? तो काहे नहीं बोले? डर नहीं लगता है किस से? सब बहुत बड़े बड़े हैं, आपके पीछे कुछ लगा देंगे। अरे तो जादू कर दिया आप पर? क्या जादू कर देंगे? जादू तो हम पे कर दिए हैं यार।
क्या कर दी जाती है? जादुए कर दिए तो हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं कि आपका जो बहुत लोग बोलते हैं कि आप जातिवाद करते हैं, ये कहाँ तक सही बोलते हैं? एकदम सही बोलते हैं, खूब जातिवाद हम करते हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? क्यों जातिवाद करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? पत्रकारिता लाइन जातिवाद ही होता है। तो पत्रकारिता में हम जातिवाद कर रहे हैं तो कहिए, पत्रकारिता में जातिवाद कर रहे हैं कहीं हो रहा है, कहां हो रहा है? देखिए कमेंट खोलकर आपका लोग बोलता है कि जियो यादव जी। कमेंट खोलने से पहले वीडियो का प्लेलिस्ट खोल लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 300 किलोमीटर ही भूमिहार के लिए भी चला है, तो 500 किलोमीटर राजपूत के लिए भी चला है, 700 किलोमीटर ही दूसरा जात के लिए भी चला है, मुसलमान के लिए कश्मीर गया, तो दलित के लिए हैदराबाद गया है। आज तक एको को यादव के लिए हम बिहार से बाहर नहीं निकले, ये हमसे गलती हो गया। अब हम खाली यादव के लिए निकलेंगे तो जातिवाद नहीं रहेंगे, ठीक है? कमेंट्स के पहले वीडियो का प्लेलिस्ट पढ़ो, खोलो, देखो कि कहाँ कहाँ का खबर है। ये क्या लगता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जो लिख देते हैं वो सत्य हो जाता है? इसमें आपको कोई जादू लगता है कि कोई तो यही लगता है कि उस साला को बढ़िया से लिखू नहीं आता है। उकले गर्मी में सफोकेशन को सफोकेशन या कुछ ऐसा बोल रहा था कि हम बोल भी नहीं पाएंगे। हम तो बढ़िया सवाल किया उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा और बोलो कि हम लोग इंटरव्यू लेंगे, लिखा पढ़ी वाला बढ़िया से लिख पढ़ दे, इंग्लिश में इंटरव्यू दे दे तब मान लेंगे। लिख पढ़ देंगे तो आप मान लीजिएगा, आप बहुत सारे लोग हैं बाबा नहीं मान लेंगे, पढ़ल लिखल मान लेंगे। हाँ, पढ़ लिखल मान लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो उनको बोल रहे हैं कि पाखंडी बाबा है, इस पर क्या लगता है? वो बढ़िया बात बोल रहा है जो बोल रहा है, बहुत सारे लोग की पाखंडी बाबा। आप क्या मानते हैं उनको? किनको? बाबा को कि पाखंडी जो बोल रहा है उसको? हिंद शास्त्री को। हम वो बोलते हैं ढोंगी बाबा। ढोंगी है फिर यार, तो ढोंग नहीं है तो और क्या है? मतलब तुम हमसे मजा ले रहे हो विकास? कैसे ढोंग हुई है? कैसे ढोंगी होंगे? कैसे ढोंगी है? इतना लोग उन पर विश्वास करता है, कितना लाखों करोड़ों लोग उनका कथा सुनने आता है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो स्टेज पे आके कहते हैं कि हम किलो के मन से हम गाली खाते हैं, तो जब उनका विरोध हो सकता है तो धीरेन्द्र शास्त्री है यार। धीरेन्द्र शास्त्री है ये, और मोदी जी प्रधानमंत्री है तो क्या उनका विरोध नहीं होता है? क्या उनके विरोध में खबर नहीं चलता है? चलता है ना। तो भीड़ कब से निर्देशित करने लगा कि भीड़ जहाँ चलेगा वो सचे हो जाएगा? तुम अभी थरिया लोटा पीटो, अभी लंगटे चले लगो रोड पे, भीड़ लग जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है? तो थरिया लोटा पीटते हैं, कथा सुनाते हैं। वो एगो मात्र जरिए है, कथा कहाँ सुनाने आए हैं, ये भी तो एगो बात है, वो प्रचार करने आए हैं। बिहार में जब से आए हैं जब से उनका आप विरोध कर रहे हैं? अरे नहीं, गलत फहमी में हो, वो जब से महाराष्ट्र से भागा झोला उठा के श्याम मानव के केस से, हम तब से उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ तो अरे एक दो हम किए हैं वीडियो उस पे। कौन बोल रहा है कि खाली बिहार आने के बाद हम विरोध किए हैं? अभी तो अभी विरोध इंजन कर दिए उसका वीडियो बना बना के उसको। हम तब बिहार में आए हैं जब से ऐसा हो रहा है बिहार। क्या लगता है कि बिहार से उनको खतरा हो सकता है क्या? किसको? लोग भड़काने का काम कर रहे हैं वो बिहार में आकर? करेंगे, सारे लोग बोल रहे कर दें एक बार ऐसा काम। क्या लगता है? लगता नहीं, इस पे हम लगने पे नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि एक बार ऐसा कुछ काम कर दीजिए जिससे बिहार को खतरा होकर बात पता चलेगा। चलिए, हमारे साथ एक्सपोज मीडिया के संचालक विकास राज मौजूद थे। आप लोगों को किस प्रकार बताए हैं जो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो कि लगातार इनके चैनल पर उनका विरोध और लगातार उनका बताते हैं जो भी गलत करते हैं, सबसे पहले इन्हीं के चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाई देखिए पुल पर से खड़ा होकर कि हाई देखिए क्या बोलते हैं पुल पर से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो अलग मैटर है। चलिए, आप लोग देख रहे थे वीके डिजिटल न्यूज़। मेरा नाम विकास है, आप वीके डिजिटल न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।